जो लीडर्स लोग हैं अभी वो लोग करप्ट है, तो संतों को मैदान में आना पड़ेगा और शासन लेना पड़ेगा। शस्त्र के साथ शास्त्र, ये दोनों अगर मिला के चले ना तो वो होता संत। क्या नाम है आपका? आरुष। सुजय निमाय दास। ये आपका रियल नेम है या आपने चेंज? छत्री। आपने हरे कृष्ण मूवमेंट को आप लोग फॉलो करते हैं तो यहीं इस्कॉन में रहते हैं? नहीं, रहते हम बाहर है लेकिन इस्कॉन को फॉलो करते हैं। अच्छा, इस्कॉन के फॉलोवर हैं। तो वैसे क्या काम करते हैं आप लोग? मैं तो अभी मेरा स्टार्टअप कर रहा हूँ, बिजनेस स्टार्टअप कर रहा हूँ। मतलब कर ही रहे हैं, कर भी रहे हैं, किस चीज़ का? ऑर्नामेंट डिजाइनिंग्स एंड मे बी आई विल स्टार्ट सम क्लोथिंग आल्सो। ऑर्नामेंट्स किस चीज़ के? ज्वेलरी डिजाइनिंग। नहीं नहीं, कौन से? भगवान के? अच्छा, ज्वेलरी, ज्वेलरी सारा ज्यादातर। यहाँ पर हमारी जो है हिंदी में है, उत्तर भारत में हिंदी भाषा बोली जाती है तो ज्यादातर आपकी बात हर घर तक पहुँचेगी। चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आप मुझे बताएं, पुणे से आपने बताया? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर आने का खास कारण क्या? कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण की भक्ति, भक्ति कृष्ण की भक्ति ने। हाँ जी, एक बार यहाँ पे आगे अगर पागल ना बन जाए तो मतलब नहीं है ना फिर आने का फिर। अच्छा, हाँ। यहाँ पर आपने पहले कभी आए हैं आप ऐसे? दो बहुत बार आए। कितने साल पहले? शायद मैं पहली बार जब आया था 7 साल पहले। तो 7 सालों में, और अगर मैं अभी की बात करूँ, आपको यहाँ पे मंदिरों में कोई अंतर दिखा है? मंदिरों में कोई अंतर नहीं है, सड़कों पर कुछ तो आपने देखा होगा, बहुत फड़ा है लोगों की। अभी जो मेंटेलिटी वो चेंज हो गई है, अभी जो साफ सुथरा पड़े ना बढ़ गया अभी यहाँ पे। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि पुणे के मुकाबले आपने पुणे से यहाँ पर आ गए, कृष्ण की भक्ति आपको यहाँ पर ले आई, ऐसे ही हमारे जो देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो हैं, वो मतलब प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो बहुत सनातन धर्म को फॉलो करते हैं जिस तरीके से कृष्णा कॉन्शियस वाले करते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगता है जब मुख्यमंत्री भी आप ही की तरफ की बातें बोलते हैं? कई बार ऐसा होता है ना कि अच्छा लगता है कि हमें कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा। क्या बात है, सनातन धर्म में सबसे प्राचीन धर्म है। हाँ, बिल्कुल। और आज के लोग कम होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ कन्वर्शन। तो अच्छी बात है ना अगर वो कुछ हमारे धर्म के लिए कर रहे हैं। हिंदू धर्म के लिए बात नहीं कर रहा, मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ। हिंदू इस स्पेसिफिकेशन होता है और जो सनातन धर्म होता है वो ऑल ओवर वर्ल्ड होता है, मतलब जो है वो सबसे प्रॉपर जो होता है सनातन धर्म ही है। तो अगर वो उसके रक्षक बनेंगे या फिर उसको और बढ़ावा करेंगे, जो सनातन धर्म की वैल्यूज़ क्या है और उसका बेस क्या है, अगर वो दुनिया में अगर दिखाना चाहते हैं तो बुरा कोई नहीं है, इसमें कुछ बुरा ही नहीं है, बेस्ट ही है। आप अगर हमारे गुरुजी श्री प्रभुपाद बोलते हैं कि आप जिस भी धर्म में है भगवान से प्यार करिए, अगर आप वो कर रहे हैं तो आपको कोई कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप जिस धर्म में है उसी धर्म में अपने भगवान को प्यार करिए और लोगों की सेवा करिए। योगी आदित्यनाथ जो है मुख्यमंत्री वो भी एक संत ही है, आप उनको जब देखते हैं मुख्यमंत्री संत बन गए हैं, आप लोग भी अपना अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं, कहते हैं कि जो एक संत है वो काम नहीं कर सकता, आपको क्या लगता है ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे कई ऑपोजिशन पार्टीज कहती है, कई सारे लोग अभी क्या है ना, जो लीडर्स लोग है अभी वो लोग करप्ट है तो संतों को मैदान में आना पड़ेगा और शासन लेना पड़ेगा, नहीं तो पहले शासन के लिए राजा थे और उनको संत गाइड करते थे, अभी कोई गाइड नहीं करने वाला है तो उनको गाइड करने वाले हैं जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी है, पर अगर वो क्षत्रिय लोग ही नहीं है जिनमें स्पिरिट नहीं है धर्म का रक्षक करना, तो उनको मैदान में आना पड़ रहा है। शस्त्र के साथ शास्त्र, ये दोनों अगर मिला के चले ना तो वो होता संत। हाँ, तो शस्त्र के साथ शास्त्र भी होना चाहिए और दोनों जैसे चाणक्य जी उनको विक्रमादित्य को करते थे प्रचार या फिर उनके हिसाब से चलता था, तो ऐसे एक लीडर रहना चाहिए और एक संत उनके पीछे बताना चाहिए कि कैसे धर्म के हिसाब से चलना है, नहीं तो कोई कुछ भी अपने दिमाग से करना लगेंगे, कोई यानी आप अभी देखते हैं कहीं कहाँ कहाँ पर स्लॉटर्स हाउसेज है ये वो, तो मेजरली जो इंसान अगर दूसरे के अगर उनके दर्द को नहीं समझ सकता प्राणियों के, तो फिर कैसे इंसान हो आप, कैसे बोल सकते हैं आप उनसे ज़्यादा बेटर हो, तो ये सब कोई चाहे लाख करो तीर्थ पूजा करो हजार, जीवों में दया नहीं तो सब कुछ है बेकार, है ना? ये बताने वाला कौन है फिर? जिसको शास्त्र का ज्ञान होगा वही बता पाएगा ना।
अच्छा मैं आपसे बस एक शॉर्ट आप कर लोगों का एक मिनट और लूंगी। आप मैंने आपसे पूछा कि आप जैसे स्टार्टअप कर रहे हैं, आप अपना कुछ काम कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। अरे वाह, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, इससे बढ़िया तो बात ही कुछ नहीं हो सकती कि एक परफेक्ट एग्जाम्पल है लोगों के लिए कि देखो संत जो है जो इस तरीके के प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते हैं वो अपने नॉर्मल जिंदगी में भी काम कर, वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी काम कर रहे हैं। इस पर आप लोग की क्या राय है, क्यों कहते हैं ऐसा कि नहीं भाई वो दुख नहीं, ऐसा है कि आप परिवार का दुख नहीं समझ सकते जैसे योगी आदित्यनाथ को कहते हैं? हमारा परिवार नहीं है क्या? हमारा भी परिवार है, मम्मी पापा सब है, लेकिन क्या है ना कृष्ण भक्ति के साथ साथ हम अगर अपना जीवन भी व्यतीत करते हैं ना, अगर हमारे फैमिली के साथ भी रहते हैं ना, वो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको सन्यासी लेना पड़े, लेकिन सन्यासी जो होते हैं ना वो हमें गाइड करने के लिए होते हैं, वो अपना सब कुछ छोड़ के हमारी ज़िंदगी को अच्छा करने में लगे रहते हैं। आप अगर देखेंगे हमारी हिस्ट्री में बहुत सारे जो मेन भक्त है वो गृहस्थ ही थे, युधिष्ठिर महाराज, फिर सुदामा जी, अर्जुन, ये सारे तो सबसे बड़े एग्जांपल हैं जिसके लिए ही गीता का ज्ञान दिया श्री कृष्ण ने, क्योंकि उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। सो गृहस्थ में आप बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमारे सारे ब्रजवासी वही उदाहरण है। तो संत कुछ लोग बने, ये सवाल बेसिकली ये था, ये सवाल था, मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा है कि संत जो है वो मुख्यमंत्री भी है, तो आप लोग भी इस तरीके के ही संत हैं और काम भी कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना जिस तरीके से लोग कहते हैं कि एक संत के हाथों में परिवार या ये सब वो दर्द नहीं समझता। वो अगर दर्द नहीं समझ सकते थे तो इतना सब ये क्राइम जो कम, हम लोग जो न्यूज सुनते हैं, हम लोग मॉडल देख रहे हैं यूपी का कितना क्राइम कम हुआ, तो वो दर्द नहीं समझ सकते तो ये सब क्यों करेंगे वो? आपके हिसाब से मुख्यमंत्री अभी जो है वो बेस्ट है? बेस्ट है, बेस्ट है। अच्छा आप दोनों अगर हमारे चैनल के माध्यम से कुछ भी एक सजेशन या लोगों को कुछ भी सनातन धर्म के बारे में कुछ भी एक इंट्रोडक्शन देना चाहिए, कुछ भी बोलें, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, भगवान का नाम लीजिए हमेशा और बस जीव दया करिए, यानी लोग जो लोग बहुत महत्वपूर्ण है जीव दया, बहुत बहुत साधु सेवा और हरि नाम की सेवा, हरी नाम का जब, ये तीन चीजें। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे। राधे 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 राधे। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल CNN वर्ल्ड, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारी हर एक वीडियो से।